Hello friends, welcome back to my channel Indian Blogger लीला घोष और मैं हूँ लीला। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी किचन। मेरी किचन मॉड्यूलर किचन नहीं है, मेरी किचन बहुत ही सिंपल सी और ऑर्डिनरी ओपन जैसे किचन होता है वैसे ही मेरी किचन है। तो चले, सो दिस इज माई किचन। मैं किचन में एंट्री कर रही हूँ और किचन में मैं एंट्री कर चुकी हूँ। तो किचन के लेफ्ट साइड में है मेरी फोर बर्नर गैस ओवन और फोर बर्नर गैस ओवन की लेफ्ट साइड में है ग्लास विंडो जो बाहर की ये सीन मुझे देखने को मिलता है। और मेरी ग्लास विंडो में भी है प्लांट्स हैं, पर ग्लास में मनी प्लांट और कुछ छोटे छोटे चीज़ों से डेकोरेट करके रखी हूँ। और लेफ्ट साइड में है मेरी वाटर बॉटल की जार और है स्टील की कंटेनर। स्टील की कंटेनर में है घी और कुछ लेफ्ट साइड में है ऑयल की बॉटल जो मस्टर्ड ऑयल, वाइट ऑयल, चॉपिंग बोर्ड, सॉल्ट, हल्दी और चिली पाउडर है। और यहाँ पर है छोटे छोटे चीज़ों से मैंने डेकोरेट करके रखी हूँ। मुझे डेकोरेट करना अच्छी लगती है, मुझे अच्छा अच्छा फील होता है, तो मैं इसी तरह से मैं डेकोरेट करके रखती हूँ ताकि किचन एक बोरिंग जगह ना लगे, किचन एक इंटरेस्टिंग जगह लगे। क्योंकि किचन पर ज़्यादातर टाइम हमारा स्पेंड होता है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर फोर टाइम्स यहाँ पर कुकिंग करती हूँ। और मेरा मानना यही है कि लाइफ दो दिन की हो या चार दिन की, लाइफ को ऐसा जीना चाहिए कि आप खुश हो अपने काम के प्रति। और यहाँ पर है मेरी फोर लेयर स्पेस सेविंग स्टोरेज ऑर्गेनाइजर रैक जिसमें मैं वाटर बॉटल रखती हूँ। कुकिंग करते वक्त जब भी पानी की ज़रूरत होती है मैं यहीं से ही ले लेती हूँ। और बॉटल के ऊपर है मेरी स्पैचुला जो कुकिंग करते वक्त यूज़ होती है रेगुलर बेसिस में। और स्टोर करने की कैबिनेट मेरी डाइनिंग स्पेस पे है यहाँ पर। और यहाँ पर है स्पून, फिर यहाँ पर है मनी प्लांट और यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड और इसके बगल में है स्टेनर जैसी लीड। मैं जब भी मैं मिल्क गर्म करती हूँ तो ऊपर इस तरह की छल्ली वाला लीड ही मैं यूज़ करती हूँ। और गैस ओवन के बगल में ही है लाइटर होल्डर जो मैंने DIY किया है सीमेंट और सैंड से। और उसी के बगल में है मेरी सिंक एरिया, सिंक एरिया के ऊपर है मेरी स्टेनर, चाय छकने की स्टेनर। और उसी के बगल में है जो नाइफ सीजर्स यहाँ पर रखती हूँ। और सिंक के बगल में है मेरी वॉशिंग सोप, स्कॉच ब्राइट, हैंड वॉश, स्टील वूल जो कढ़ाई वगैरह साफ करने के लिए यूज़ होते हैं। और बगल में है डस्टबिन जो वेजिटेबल्स वगैरह मैं जब भी मैं काटती हूँ उनकी छिलके वगैरह मैं यहाँ पर ही डालती हूँ। और ये है मेरी किचन। और नीचे कैबिनेट नहीं है, बहुत एकदम ओपन जैसा है। गैस ओवन के नीचे मेरा कैबिनेट नहीं है, बिल्कुल ओपन जैसा है जैसा किचन में होता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा। यहाँ पर मैं बर्तन रखती हूँ रेगुलर बेसिस यूज्ड बर्तन। यहाँ पर प्रेशर कुकर और वही बाउल वगैरह, यहाँ पर पैन और यहाँ पर है एक चावल रखती हूँ जो मेरी हस्बैंड सुबह बर्ड्स को खिलाती है चावल। और यहाँ पर है मेरी रेगुलर बेसिस यूज्ड होने वाली बर्तन और ज़्यादा बर्तन मैं यहाँ पर नहीं रखती हूँ। और यहाँ पर चकला बेलन के आइटम और है कैसरल और रेगुलर यूज्ड होने वाली कप। और यहाँ पर है बोल वगैरह रेगुलर बेसिस यूज्ड होने वाली। यहाँ पर नीचे रहती है मेरी कढ़ाई
और उसके लीड यहाँ पर होती है मेरी प्लेट, यहाँ पर प्लेट ऐसी है ओपन जैसा किचन मेरी। इधर है दो प्लांट्स, यहाँ पर सिंगोनियम और यहाँ पर दो सिंगोनियम प्लांट्स रखी हूँ। मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है और गार्डनिंग मेरा पैशन है और मेरी पैशन आपको हर जगह दिखने को मिलेगा। और सिंक एरिया के बगल में इधर है एक विंडो, ग्लास विंडो, बाहर का लुक ऐसा आता है यहाँ से। और ग्लास विंडो के मैं कुछ प्लांट्स लगा कर रखी हूँ, मनी प्लांट्स यहाँ पर है और यहाँ पर है मेरी एक्वा गार्ड और यहाँ पर एक टैप है और पोछा लगाने की कपड़ा। मैं क्या दिखाऊँ, और उसी के बगल में है एक थ्री लेयर स्टील का एक रैक। इस स्टील की रैक में मैं रखती हूँ, नीचे की रैक में रखती हूँ मैं पोटैटो, मिडिल में रखती हूँ ऑनियन और ऊपर में रखती हूँ गार्लिक, मैं जिंजर, मैं फ्रिज में रखती हूँ। आज रखने की टाइम नहीं मिली थी तो यहाँ पर ही है, देख रही है। और यहाँ पर है मेरी पेंट्री यूनिट, यहाँ पर सभी पेंट्री के सामान रहता है। यहाँ पर बिस्किट्स, स्पाइसेस और नीचे रहती है आटा, चावल, जो भी पेंट्री सामान है मेरी इस कैबिनेट में रहती है। और बगल में एक डस्टबिन भी बोल सकते हैं, उसमें मैं जो भी पेंट्री की सामान खरीदती हूँ, जो भी प्लास्टिक वगैरह आता है मैं यहाँ पर ही स्टोर करती हूँ। और मेरे बर्तन मोछने के लिए जो कपड़ा यूज़ करती हूँ वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। और ऊपर भी है एक स्टोरेज, वहाँ पर मेरी जो साल में एक बार यूज़ होने वाली बर्तन वहाँ पर रहती हैं। और यहाँ पर है गैस सिलेंडर और सिंक के नीचे रखी है सिलबट्टा, जो बंगाली हर किसी के घर में ये होते हैं, जो स्पाइसेस वगैरह पीसने के लिए यूज्ड होते हैं। इससे पीसने वाला स्पाइसेस की टेस्ट अलग ही होते हैं, जो मिक्सर में पीसने के पीसने से कारी में उतना टेस्ट नहीं आता है, जो सिलबट्टा में पीसने से कारी में जो टेस्ट आता है। तो यही है मेरी किचन, बहुत सिंपल सी ऑर्डिनरी किचन है मेरी। रेगुलर बेसिस में यूज़ होने वाले बर्तन ही मैं किचन में रखती हूँ, ज़्यादा बर्तन मैं किचन में नहीं रखती हूँ क्योंकि वो स्टिकी स्टिकी हो जाता है। तो मैं रेगुलर बेसिस यूज़ ही बस बर्तन यहाँ पर रखती हूँ। और मेरी स्टॉक वाले बर्तन मैं डाइनिंग स्पेस में दो यूनिट है तो उसी में मैं रखती हूँ। एक यूनिट जो क्रॉकरी यूनिट है इसमें मैं स्टील के बर्तन रखती हूँ और दूसरे में ग्लास की बर्तन मैं रखती हूँ। और क्या कहूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। अगर आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचे, तो फिर मिलूंगी। टाटा, बाय बाय।